हेलो फ्रेंड्स सीमा डिज़ाइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की वीडियो लेकर आई हूं तो देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं ये हमारी कुर्ती है जिसका तीरा चौदह इंच है ये ऐसे डबल फोल्ड में है अब हमने ये बुकरम ली है इसको ऐसे डबल फोल्ड कर रखा है यहाँ से साढ़े छः इंच है और यहाँ से सात इंच है इस पर मार्किंग मैंने पहले ही कर रखी है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो तो देखिए आपको इसे ध्यान से देख लेना है और ठीक ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है मार्किंग करने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने इसके ऊपर नंबरिंग भी दे रखी है ये नेक नंबर थ्री है और ये नेक नंबर टू ऐसे हमारे पास तीन नेक कट के रेडी होंगे और ये नेक नंबर वन नंबरिंग मैंने इसलिए दी है ताकि आपको पता चल जाए हमने कौन से नंबर का नेक यूज किया है तो सबसे पहले हम नेक नंबर थ्री को यूज करेंगे देखिए ऐसे हमारे पास तीन नेक कट के रेडी हो गए हैं ये मैंने नेक नंबर थ्री लिया है और इसको फैब्रिक के साथ अटैच करना है तो देखिए हमने इसे बड़ी चाल से फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है अब इसे हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो कुर्ती का सीधा वाला पार्ट आपको ऊपर की साइड रखना है और फिर ऐसे रखकर सिलाई लगानी है ऐसे सिलाई लगा के हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स के निशान लगाएंगे और फिर इसे ऐसे प्लट कर इस पर प्रेस कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे प्लट लिया है अब हमने नेक नंबर टू को लिया है और इसे हमने न्यूज़पेपर पर मार्क कर लिया है अब मैंने ये एक पट्टी ली है डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी है इसको देखिए हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और अब इसे हम सुई धागे की हेल्प से सीधा कर लेंगे ये काफी आसानी से सीधी हो जाएगी क्योंकि चौड़ी पट्टी है तो देखिए आसानी से ये सीधी हो गई है अब हमने इनके तीन तीन इंच के पीस बना लिए हैं सभी पट्टियों की और अब हम इन्हें यहाँ पर अटैच करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम इन्हें ऐसे रखते जाएंगे और बीच से सिलाई लगाएंगे जो हमारी दोनों साइड की मार्किंग थी बिल्कुल उसके बीच से हमने सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमने छोटी चाल से लगानी है ऐसे हमने सभी पट्टियों को एडजस्ट करते हुए काफी सफाई के साथ हमें इन्हें लगाना है देखिए फ्रेंड्स नेक या हो या कोई भी डिज़ाइन हो उसको बनाते समय हमने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सफाई के साथ काम करना होता है ताकि वो बनने के बाद अच्छा लगे आप ऐसे ही आगे पीछे किसी में कम मार्जिन किसी में ज़्यादा मार्जिन ऐसे लगा देंगे तो उसमें बनने के बाद इतना सुंदर नहीं लगेगा तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है अभी ने देखिए ऐसे लगाने के बाद हम ऐसे पलटते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर हमने सभी पट्टियों को एक ही साइड में ऐसे पलटना है और सिलाई लगानी है सभी पट्टियों को हमने एक ही साइड में पलटना है इस बात को आपको ध्यान रखना है तो देखिए यहां तक हमने सभी पट्टियों को ऐसे ही पलटते हुए सिलाई लगानी है ऐसे हमने एक साइड से सिलाई लगा दी है अब हम दूसरी साइड से भी पट्टियों को ऐसे पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे देखिए जिस साइड से हमने पट्टी पलटी थी उस साइड से दूसरी साइड पलटना है इसमें उसमें हम नीचे की साइड पलट रहे थे इस साइड हम ऊपर की साइड पलट रहे हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तभी हमारा पैटर्न बन के रेडी होगा अन्यथा आपको दोनों एक ही साइड से पलट देंगे तो ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है तो देखिए इस टाइप का हमारा पैटर्न बन के रेडी होगा ऐसे ही हम एंड तक यहां तक सभी पट्टियों को ऐसे पलट लेंगे देखिए हमने सभी पट्टियों को पलट कर सिलाई लगा ली है अब हम जो एक्स्ट्रा न्यूज पेपर है उसे कटिंग करके अलग कर देंगे अब हमने नेक नंबर वन को लिया है और इसके ऊपर ये फ्यूज पेपर है इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ प्रेस की हेल्प से अब हम इसे ऐसे रेडी करेंगे जैसे हम अपनी कुर्ती पर नेक को रेडी करते हैं नीचे एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे और इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम देखिए जो अंदर का कपड़ा है उसे कटिंग करके इसमें भी छोटे छोटे कट्स के निशान लगा लेंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे और पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे यह सिलाई बिल्कुल किनारे के साथ साथ लगानी है छोटी चाल से देखिए ऐसे हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके बीच में हम अपने पैटर्न को लगाएंगे ऐसे और फिर हम सिलाई लगाएंगे इसको आपको काफ़ी सफाई के साथ फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है यह सिलाई भी आपको बारिक चाल से ही लगानी है तो देखिए ऐसे हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है अभी से हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो देखिए कुर्ती के हमने इस टाइप से रखना है और फिर सिलाई लगानी है यह सिलाई भी हमने बारिक चाल से ही लगानी है और जहाँ पर हमारा जो बुकरम का निशान लगाया था मैंने वहाँ से हमने ये सिलाई लगानी है तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं यदि आपको किसी विशेष टाइप के नेक की डिज़ाइन की वीडियो देखनी है या किसी और की भी देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता दें हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे तो देखिए ऐसे हमारा नेक बन के रेडी हो गया है अब जो हमने न्यूज़पेपर लगाया था इसको हम रिमूव कर लेंगे तो फ्रेंड्स एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में